तो तुम्हें पहली बार मॉडलिंग करते हुए देखा था। शब, वो तो मैंने अपने परिवार, अपने डैडी जी के लिए किया था। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए किया था। तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सच मुझसे छिपाया क्यों? मुझसे धोखा क्यों किया तुमने? मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया तुमने? मुझे एक भ्रम में क्यों रखा? मैंने तुम्हारी भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं की। जब मैं तो कई बार आपसे कहती कि मैं ऐसी नहीं हूं, पर आपने कभी मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। और शादी के पहले तुमने तो कभी नहीं पूछा था कि माही क्या तुम सलवार कमीज पहनती हो। मेरी क्या गलती है शब? क्या किया मैंने? तुम सही कह रही हो माही, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। गलती तो शब सारी हिंसा हुई। मैं इंतजार करता रहा कि मेरी वाइफ ही अपने रंग में नजर आएगी। इंतजार करता रहा कि मैं अपनी वाइफी को दुनिया की सबसे बेस्ट मॉडल बना के रहूं। इंतजार करते रहा, करता रहा, और मेरा इंतजार ऐसे खत्म होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शब, शायद गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं। बस माही मल्होत्रा, बस। गलती शब सरीन की है, हार शब सरीन की हुई है। विश्वास मेरा टूटा है तुम्हारा नहीं। सब लोग जानते थे तुम्हारी असलियत। मुझे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। समझ नहीं पाया, सिर्फ मैं तुम्हें नहीं जान पाया, नहीं जान पाया। कितने सपने देखे थे मैंने, कितने काम, सब खत्म हो गया।